हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू सफलता क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, करंट अफेयर की एक और नई क्लास लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज आपके लिए तारीख है 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सबको हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले टॉप 5 न्यूज के माध्यम से जो भी चीज हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थॉरली देखा जाएगा टॉप 5 न्यूज को कि कौन कौन सी न्यूज है वाकई में, और फिर हम लोग उसको साथ में बैठ के डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है आपके लिए यहाँ पे क्विज सेक्शन। क्विज सेक्शन के माध्यम से जो भी पैटर्न होता है हमारे एमसीक्यूज का उसको हम लोग समझते हैं करंट अफेयर में। और यहाँ पे इसके बाद है आपके लिए एक रिवीजन छोटा सा क्विज, और इस क्विज के माध्यम से आपको याद हो जाएगा कि टोटल आपको कितना याद है, ठीक है। और इसके बाद में आपके लिए जो अभी चल रहा है हाल ही में वो है एक रिवीजन कैप्सूल। रिवीजन कैप्सूल को यहाँ पे आप जो है पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि ये टॉपिक वाइज है और थोड़ा थोड़ा करके ये आपको डेली आपको मिल रहा है, ठीक है। फायदा क्या होता है कि जब आप पूरी पूरी मैगजीन खरीदते हो पूरी आपको लगातार एक साथ पढ़नी पड़ती है, यहाँ क्या है केवल 10 मिनट आपको उसमें देने हैं। और 10 मिनट की आपकी ये रिवीजन कैप्सूल अगर डेली के आप पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे अगर 6 दिन भी अगर आपने पढ़ा तो लगभग 1 घंटे का आपका रिवीजन हो गया, वो भी कई सारे टॉपिक्स का। तो ये फायदा है आपके लिए रिवीजन कैप्सूल का। अगर आपका एग्जाम यहाँ पे आरआरबी या फिर सीडीएस या फिर इसके अलावा यहाँ पे आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है जी। हाँ जी, दीपिका जी गुड मॉर्निंग, अनुज गुड मॉर्निंग, नमन गुड मॉर्निंग। अच्छा ओके, अच्छा अनुज की आज एक नई कोट है, गुड बेटर बेस्ट नेवर बी द रेस्ट, ये भी बहुत बढ़िया। चलिए एक हम लोग भी देख लेते हैं एक और यहाँ पे कोट ऑफ द डे। तो देखो अगर हम लोग एक और कोट ऑफ द डे देखें तो ये भी बहुत अच्छी है, इसको भी थोड़ा ध्यान सुनिएगा अनुज। तो देखो अगर मैं कोट ऑफ द डे की अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे ये है क्या कि जो सक्सेसफुल पीपल हो, जो सफल लोग होते हैं उनके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है साइलेंस और दूसरा है स्माइल। साइलेंस का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? साइलेंस का यहाँ पे मतलब हुआ कि आपको कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो उसमें बजाय बात किसी और चीज में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करो, अपने काम पे फोकस रख के अगर आप काम कर रहे हो तो आप हमेशा सक्सेसफुल होगे, ये मतलब है साइलेंस का। केवल चुप रहना साइलेंस नहीं होता। और दूसरी चीज क्या है? स्माइल करना। मतलब ये हुआ कि अगर आप काम कर रहे हो तो उसे खुशी से करो, उसको एक्सेप्ट करके करो, तभी वो आप काम आपको मन भी लगेगा और आप उसमें सफल भी होंगे, ठीक है। तो ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना है, पहली बात शांति से काम करो, अपने काम से प्यार करो यानी कि खुश भी रहो, ठीक है। तो इसके साथ चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की टॉप 5 करंट अफेयर न्यूज को। तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों को देखेंगे आखिरकार क्या क्या है आज की न्यूज। तो पहली अगर मैं न्यूज की आपसे बात करूं तो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक को जारी किया, ये आउटलुक क्या है इसको जानेंगे। नेक्स्ट है चाइना ने एक्टिवेट किया है न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन, अब ये सन कैसे काम करता है इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट है पीएम मोदी के द्वारा इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल को शुरू किया गया, तो ये भारती फेस्टिवल किसकी याद में मनाया जाता है। और वही नितिन गडकरी जी के द्वारा एक कोलिवर ब्रिज बनाया गया और वो कहां पर है आपका बिहार में। और नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए भारत में पहला इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट शुरू हुआ था दिसंबर 10 को, तो ये डेट भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है हमारे न्यूज के लिए, ठीक है। चलिए तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा डिस्कशन। तो देखो यहाँ पे अगर आपसे पहली न्यूज की बात किया ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स मिलते हैं, कौन कौन से, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में हम लोग एडीबी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी अच्छा विधि जी बता रहे क्लास क्लास के बारे में पूछा जा रहा है मेरे ख्याल से, चलिए ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग यश, चलिए और कोई यहाँ पे अगर इश्यू हो तो आप वो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के बारे में तो इसके माध्यम से यहाँ पर जिसी भी देश की यानी जो एशिया है, ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बताया जाएगा आपको, एशियन देशों के बारे में। एशिया में कौन कौन आ जाएगा आपका, चाइना भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा और बाकी देश भी आएंगे, तो उस देश की प्रगति यानी कि डेवलपमेंट को बताने के लिए यहाँ पर जीडीपी को आधार बनाया जाता है और उस जीडीपी के माध्यम से बताया जाता है कि उस देश में डेवलपमेंट कितना है और कितना होगा। तो वर्तमान समय में इस आउटलुक के अनुसार जो इंडिया यानी भारत है उसके यहां पर जो आपकी जो प्रगति बताई यानी जीडीपी बताई गई है वो बताई गई है कि -8% रहेगी आपकी 2020 में, यानी कि पहले से अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है हमारे भारत की प्रगति। -8 का मतलब ये होता है कि अभी हमारे यहां पे बेरोजगारी भी है और प्लस कहीं भी बाहर से पैसा आने के चांसेस नहीं है, ये दोनों मतलब होते हैं -8% जीडीपी के, ठीक है। चलिए अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात की जाए यहाँ पे आपसे
ऐसे ही और दो यहाँ पे रिपोर्ट्स होती हैं जो अलग अलग आपकी संस्थान, जैसे ये एडीबी ने लॉन्च किया है ना, इसी तरीके से एक है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आपकी, ये किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है, इसका नाम हमें याद रखना पड़ता है, इसका नाम हो जाएगा IMF, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में। और वही दूसरा है आपके लिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, नाम देखो तो सिमिलर है, वर्ल्ड और ग्लोबल, लेकिन दोनों ही अलग अलग संस्थानों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक जो आपकी आउटलुक है, ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक एक अलग संस्थान है आपकी IMF से, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमारे लिए और हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी अभी हाल ही में न्यूज में था, किस चीज के लिए, इसने जो है अभी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, जहां पे अभी हाल ही में बीजेपी का अध्यक्ष थे, उनपे यहाँ पे हमला किया गया था, इसके साथ में एक यहाँ पे पैक्ट साइन किया था। और वो पैक्ट किस चीज के लिए था, पैक्ट माने समझौता, ये समझौता आपका किया गया था डिजिटल फाइनेंशियल पेमेंट के लिए, किसके लिए किया गया था, डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म या फिर पेमेंट के लिए, ठीक है। और वही इसी के साथ साथ एडीबी ने एक और समझौता किया था मेघालय के साथ, जो कि आपका न्यूज में था, क्योंकि सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि मेघालय ने किस बैंक के साथ में समझौता किया था, किस चीज के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पावर डिस्कॉम्स कहते हैं इसको हम लोग, तो पावर डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनके लिए मेघालय के द्वारा एक समझौता किया गया एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है जी। हाँ जी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम में करंट अफेयर एक क्वेश्चन नहीं आया सचिन, तो अभी हम लोगों ने पूरा करंट अफेयर कंप्लीट भी नहीं किया है, ठीक है सचिन। हाँ जी, एडीबी का यहाँ पे हेडक्वार्टर, चलो ठीक है, आप पहले एडीबी की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैसे अगर आपने यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो पहले के पेपर्स हुए थे, उसमें हम लोगों ने जितने भी अभी तक टॉपिक डिस्कस किया, आप उनको एक बार चेक करके देखिएगा, आपको जवाब खुद मिल जाएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस वहीं से आए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं देखो एडीबी के बारे में। तो एडीबी क्या है, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल का मतलब क्या होता है, ये एक स्थानीय डेवलपमेंट बैंक है जो सिर्फ एशिया के लिए ही कार्य करेगी, ठीक है। ये तो स्पेसिफिक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो भैया प्रेसिडेंट है, यानी कि जो यहाँ के मुखिया है, जो यहाँ के चेयरमैन है, वो है आपके मासासुगु। क्या नाम है इनका, मासासुगु। अच्छा, ये नाम से क्या लग रहा है, कहां के रहने वाले होंगे। तो ये जो है आपका एडीबी, ये आपका जापान के द्वारा बनाया हुआ बैंक है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में, जिसके माध्यम से एशिया के जितने भी देश थे उनका डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। हाँ जी, -8% होगी अनुज, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एडीबी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे हेडक्वार्टर यानी उसके मुख्यालय की आपसे बात करूं, तो ये है आपका जकार्ता फिलीपींस में। कहां पर है आपका, जकार्ता फिलीपींस में, ठीक है। तो फिलीपींस यहाँ पे नाम याद रखिएगा कि फिलीपींस में इसका आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए अब देखो, बात हो गई यहाँ पे एडीबी के बारे में। अब एक चीज और जान लो, एडीबी की तरह ही आपका ये एक और संस्थान है, उसका नाम है AIIB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन, यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अब देखो दोनों में अंतर है, क्यों मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि ऑप्शन में दोनों दिए जाएंगे, एडीबी भी होगा और AIIB भी होगा। अभी हम लोग एडीबी के जितने भी आपके पैक्स हुए वो एडीबी के साथ हुए। AIIB जो है ये चाइना के द्वारा बनाया हुआ बैंक है, जिसमें आपके लगभग लगभग सारे पूरे विश्व के देश शामिल हैं, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक में अधिकतर आपके एशिया के ही देश शामिल है, इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ जी हाँ, वो जकार्ता थोड़ा जल्दी में निकल गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगली खबर हमसे क्या कह रही है कि चाइना ने एक्टिवेट कर दिया था आपका न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन, ठीक है। तो चाइना के द्वारा ये एक्टिवेट किया गया न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन, इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, यानी कि ये आपकी दोबारा कई बार बनाई जा सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसके माध्यम से चाइना क्या करेगा, अपने देश में जो भी एनर्जी की समस्या है उसको सुलझा लेगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब वहीं इसके अलावा देखो, ये आपको सन दिख रहा है ना, अब देखो सबसे पहले सन का थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। सन जो है आपका ये न्यूक्लियर फ्यूजन से चलता है, ठीक।
अब न्यूक्लियर फ्यूजन से अगर ये चलता है तो इसमें प्रोसेस क्या होता है? इसमें प्रोसेस ये होता है कि जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो जब आपस में मिक्स होते हैं, मिलाए जाते हैं यानी जोड़े जाते हैं, तो वो हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही निर्माण करेंगे इसमें एनर्जी निकलती है और इसी से जो सूरज है वो आपका इतना ज्यादा टेम्परेचर रखता है। ठीक है, अब चाइना ने क्या किया, सेम उसी मॉडल पे एक आपका आर्टिफिशियल सन बनाया। अब इसको देखो, आर्टिफिशियल सन बनाया मतलब क्या हुआ कि उसमें भी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन तो होगा ही, लेकिन आर्टिफिशियल सन में इन्होंने किया क्या है ये जान लीजिए। इन्होंने क्या किया, ये आप आसपास देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो क्षेत्र इसमें जो है इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने मैग्नेटिक जो आपके यहाँ पे मैग्नेट थी उसके माध्यम से एक फोर्स बनाया, एक फील्ड बनाया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे जो है आपका हॉट प्लाज्मा का एक लूप बन जाएगा, मतलब जो गरम गरम लावा जैसा होता है ना वो तैयार होना शुरू हो जाएगा मैग्नेट के इफेक्ट में। अब इससे जो आपका टेम्परेचर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से आपका लगभग लगभग पहुंच जाएगा 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना पहुंच जाएगा आपका, 150 डिग्री मिलियन सेंटीग्रेड। राशि गुड मॉर्निंग, अब समझ में आया। तो यहां पे देखो मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल सन जो है आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा यहां पे चालित किया जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे देख लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग होली ग्रेल ऑफ एनर्जी कहते हैं, ये आपके एग्जाम का टर्म है, ठीक है। होली ग्रेल का मतलब क्या होता है कि सबसे अधिक यानी पवित्र जो एनर्जी है वो कौन सी है आपकी, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे आपका सन और स्टार दोनों को एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहां पे जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और उस प्रोजेक्ट का नाम है ITER। इससे संबंधित आपके लिए सवाल बन सकता है, कैसे ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ कि अभी जो आपके चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल सन बनाया गया है ना, सेम ऐसा ही प्लाज्मा रिएक्टर उसको कहा जाता है। तो ये रिएक्टर पूरे वर्ल्ड यानी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो मिलके बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट के तौर पे, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आपका कहां पे आपका स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा फ्रांस में। इतना क्लियर हो गया होगा, हाँ जी मांड लूंगा, उसका नाम थोड़ा अजीब था इसलिए मैं लेना नहीं चाह रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये आपका एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, कहां पर, फ्रांस के द्वारा, सेम एज ही जैसे चाइना ने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन को बनाने का प्रयास किया है। तो इससे चाइना को फायदा क्या होगा कि अब चाइना को कम बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, जितने भी बाकी ऊर्जाओं के स्रोत हैं वो उसके कम उपयोग होंगे इस आर्टिफिशियल सन की वजह से, ठीक है। तो बहुत उपयोगी माना जाएगा अगर चाइना यहां पे सक्सेसफुल हो जाता है पूरे तरीके से। अब देखो यहां पे अगर बात की जाए आपसे भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, तो भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इससे अलग अलग प्रकार के आपसे सवाल पूछे गए, कैसे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, ठीक है, तो यहां पे आपके लिए जवाब हो जाएगा तारापुर। क्या जवाब हो जाएगा आपके लिए, तारापुर। अब नाम तारापुर है लेकिन ये है कहां पे स्थित, तो यहां पे जवाब होता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र तारापुर में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, ठीक है। और अगर मान लो पूछ लिया जाए आपसे सबसे बड़ा पावर प्लांट यानी बिगेस्ट जो है आपका वो कहां पर है, तो इसका जवाब होगा आपके लिए काकरापार। अब देखो काकरापार नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कहां पे स्थित है आपका, गुजरात में, ठीक। तो दो चीज हम लोगों ने यहां पे जानी, पहला कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है आपका तारापुर, और दूसरा है आपका जो सबसे बिगेस्ट है वो कहां पर है, वो है आपका काकरापार यानी गुजरात में, ठीक। अब एक दो न्यूक्लियर प्लांट और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। यहां पे यूपी में जो आपका न्यूक्लियर प्लांट है वो स्थित है नरोरा में, कहां पर है आपका, नरोरा में। और यही इसी तरीके से एक है आपका कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूज में पूछा जाता है। तो ये आपका कहां पे स्थित है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटका। क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटका। ग्रेविटी फोर्स फिर भी आर्टिफिशियल सर में है, अनुज ये क्वेश्चन भी थोड़ा क्लियर नहीं हुई आपकी लाइन अभी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड है उसको यहाँ पे नोट जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमसे क्या कह रही है कि पीएम मोदी के द्वारा हमारा इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल को अभी एड्रेस किया गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल ये भारती फेस्टिवल आपका आखिरकार आयोजित किया क्यों जाता है,
जो इतना इसको ध्यान सुनिएगा कि ये एक लिटरेरी आपका अब फेस्टिवल होता है, लिटरेचर फेस्टिवल है, यानी कि यहाँ पे साहित्य से जुड़े हुए मुद्दों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है आपका एक बहुत ही फेमस यानी ग्रेट तमिल पोएट है, यानी तमिल के सबसे जो महान पोएट है उनका भी नाम भारती है, और पूरा नाम है उनका सुब्रमण्यम भारती। क्या नाम है इनका? सुब्रमण्यम भारती। तो इनकी जो है अभी आपकी यहाँ पे एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, 138th बर्थ एनिवर्सरी, इसकी याद में आपका ये इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल मनाया गया था, जिसमें लिटरेचर से संबंधित एक भारती अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, एक भारती अवार्ड दिया गया था। और वो किसको दिया गया था? तो यहाँ पे नाम हो जाएगा विश्वनाथन। क्या नाम हो जाएगा उसका? विश्वनाथन। तो विश्वनाथन जी को आपका भारतीय अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल के अंतर्गत, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब एग्जाम से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। यहां पे अगर फेस्टिवल की बात चल रही है तो फेस्टिवल कई सारे हैं हमारे लिए जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल नाम ले दूं, सनबर्न फेस्टिवल, तो ये सनबर्न फेस्टिवल हो, या फिर एक और ध्यान सुनना, कार्निवल फेस्टिवल। ये आपके यूजुअली सनबर्न एक म्यूजिक फेस्टिवल है, और कार्निवल फेस्टिवल में लोग अलग अलग प्रकार के मुखौटे वगैरह लगा के चलते हैं, लेकिन ये मनाया कहां जाता है? सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है, इसका जवाब हो जाएगा गोवा में, ठीक है जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए रथ यात्रा। क्या है? रथ यात्रा। तो ये रथ यात्रा जो है हमारी उत्सव जो है ये कहां पे मनाया जाता है? इसका जवाब आपको भी पता होगा, यहाँ पे जवाब हो जाएगा पुरी में। और पुरी कहां पे पड़ता है आपका? उड़ीसा में। तो जगन्नाथ जो हमारे मंदिर है वहां पे भगवान की पूरी एक मूर्ति को पूरा यात्रा के रूप में निकाला जाता है, और आपको याद भी होगा यहाँ पे सोने की झाड़ू से वो पहले झाड़ू लगाते हैं वहां के राजा, उसके बाद उस यात्रा को शुरू किया जाता है। अगर ये स्टोरी याद हो तो एक बार जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट के अकॉर्डिंग, हाँ जी, यस जी, हाँ, डेट के अकॉर्डिंग होती है। अनुज अप्सरा मतलब किस चीज से संबंधित, अगर आपको थोड़ा याद हो तो बताइए, फिर मैं आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए, मतलब आपने कहा न्यूज में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। अगर मैं यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल की आपसे बात कर रहा हूं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका ये नागालैंड में मनाया जाता है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल को ये जो है जब वहां पे फसल वगैरह कटती है ना, तो एक ये समझिए कि उसके उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई क्रॉप कटी है तो भाई वहां पे पैसा आएगा, तो उसी की खुशी में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और है आपके लिए, सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला आपने नाम तो सुना होगा लेकिन याद नहीं रहता है कि आखिरकार कहां है स्थित। तो सूरज कुंड मेला जो है आपका ये हरियाणा में आपका मनाया जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां हैं या जो आपके कपड़े वगैरह होते हैं उन्हीं को बेचा जाता है सूरज कुंड मेला में, ठीक है। अब देखो एक और जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देव दीपावली। अभी लेटेस्ट की आपके लिए यहाँ पे न्यूज है, देव दीपावली। देव दीपावली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो आपके देवताओं के द्वारा दीपावली मनाए, भाई एक दीपावली तो हम ही लोग मनाते हैं, ठीक है, और दूसरी दीपावली मनाते हैं देवता। तो देव दीपावली जो है आपकी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में मनाई गई थी, ठीक। तो इसको भी आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो एक और देख लेते हैं फटाफट से, गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल जो है आपका ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची फेस्टिवल आपका मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पे मनाया जाता है आपका? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा राशि जी, पीडीएफ के बारे में पूछ रही है, तो ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी जब आप ये क्लास एंड होती है, तो वहां पे अगर लिंक ना अवेलेबल हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, तब भी आपको अलग से यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वैसे लिंक में होती है पीडीएफ। चलिए आगे बढ़े, अगली न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज हमसे क्या कह रही है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पे कोलीवर ब्रिज को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, वो कि कहाँ पे स्थित है? बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो एक चीज ये जान लीजिए कि नितिन गडकरी जी ये किस चीज के मिनिस्टर हैं? तो ये मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के। किसके मिनिस्टर है आपके? रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अलावा, ठीक है। हाँ जी अनुज, 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था, अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, और वहीं अगर बात की जाए आपसे, तो अगर केंद्र सरकार की आपसे बात की जाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जो आपका बिहार में जो सोन रिवर है उस पे एक कोलीवर ब्रिज को निर्माण किया गया। ये ब्रिज का निर्माण से मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई बिहार को अगर हमें जो है बाकी राज्यों से जोड़ना है तो हमें नदियों पर भी ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब हुआ। अब पहले यहाँ पे जानते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट या जो मिनिस्ट्री आपकी, इसके द्वारा एक हाल ही में आपकी स्कीम भी जारी की गई थी, और उस स्कीम का नाम क्या था?
इसी ब्रिज से जुड़ी हुई आपकी स्कीम है, उसका नाम है सेतु भारतम। क्या नाम है इसका? सेतु भारतम प्रोग्राम। ये भी आपकी लेकिन जुड़ी किससे है? ये जुड़ी है रेलवे लाइन से, ठीक है, या फिर रोड से कह सकते हैं कि रोड पे आपकी, यानी कि जो आपकी जितने भी रोड, मतलब नेशनल हाईवे पर किसी भी प्रकार की रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब भी हमारे जो नेशनल हाईवेज बनेंगे उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। अच्छा, रेलवे क्रॉसिंग ना हो उसके लिए हम करेंगे क्या? तो इसके लिए भी हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, या फिर ठीक है, या फिर उसको फ्लाईओवर भी कहा जाता है। तो फ्लाईओवर के माध्यम से यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग की समस्या को समाप्त किया जाएगा नेशनल हाईवे में सेतु भारतम प्रोग्राम के द्वारा। एक और आपका यहाँ पे प्रोग्राम जो चलाया गया था उसका नाम था वाहन ऐप। वाहन ऐप के माध्यम से अब चाहे आप नई गाड़ी खरीदो, चाहे आपके पास पुरानी गाड़ी हो, तो वाहन से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है, जिसे हम लोग आईसीटी यानी कि जो टेक्निकल आपकी यहाँ पे एरर्स वगैरह होती है या फिर जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं? व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे एक और है फास्टैग। फास्टैग का नाम तो सबने सुना होगा। जरा ये बताओ कि फास्टैग जो है आपका, ये कब से कंपलसरी किया गया है? तो ये आपका 2021 से कंपलसरी कर दिया गया है हर एक गाड़ी के लिए, ठीक है। और अगर बात की जाए आपसे फास्टैग की, तो ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि अब तुमने देखा होगा टोल वगैरह, टोल जो बड़े बड़े टोल यहाँ पे लगाए जाते हैं, नाका लगाया जाता है, उस पर कलेक्शन होता है पैसे का, ठीक है। अब वहां पे अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, मतलब अब सीधे आपके मोबाइल से पैसा कटेगा बजाय आपको वहां पे कैश देने के, तो ये योजना भी शुरू की गई थी फास्टैग के माध्यम से, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे बिहार के बारे में। अगर बिहार के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी याद हो तो जरा जब फटाफट बताइएगा, ठीक है। तो देखो बिहार के बारे में अगर बात की जाए आपसे, तो कैपिटल तो पटना हो जाएगी यहाँ की, ठीक। वहीं अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ के जो सीएम है, सीएम कौन है आपके? नीतीश कुमार। अभी हाल ही में चुनाव में फिर से जीते हैं भाजपा के गठबंधन के साथ, जिसको एनडीए कहा जाता है। और वहीं इस समय यहाँ के गवर्नर आपके फागू चौहान है, ठीक है। फागू चौहान कहां के गवर्नर है आपके? बिहार प्रदेश के। अब देखो यहां पे अगर इसके अलावा बात की तो अगर जो आपके चुनाव हुए थे, तो चुनाव में कुल कितनी सीटें थी, तो यहां पे जवाब हो जाएगा 243, और इसमें 50% से अधिक यहां पे केवल एनडीए सरकार के द्वारा जीती गई थी, ठीक है। ओके अच्छा, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, हाँ जी वो बनाया जाना है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, वो इन प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर बात की जाए आपसे बिहार के बारे में, तो एक और यहाँ पे फेमस यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या नाम है उसका? नालंदा यूनिवर्सिटी। ये भी स्थित कहां पर है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा बिहार में, ठीक है। वहीं अगर मान लो तक्षशिला यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वो कहां पर हो जाएगी? तो वो आपकी हो जाएगी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहीं यहाँ पे इससे एक 2000 में एक स्टेट बना था, एक नया राज्य बनाया गया था, और उस राज्य का नाम क्या था आपका? उस राज्य का नाम था झारखंड, ठीक है। तो ये झारखंड याद रखिएगा, साल 2000 में बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़ी हुई। बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर कई सारी आपकी ऐप लॉन्च की गई थी। एक ऐप का नाम था कोरोना सहायता ऐप। क्या नाम था इसका? कोरोना सहायता ऐप। तो इस कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से जो भी लोग बाहर से आ रहे थे या बिहार से आपके बाहर गए हुए थे, उनकी सहायता के लिए कि यहाँ पे सरकार, राज्य सरकार के द्वारा 1000 रुपए की सुविधा दी जा रही थी, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे थी आपके लिए गरुर ऐप। क्या था आपका? गरुर ऐप, यानी गरुर का मतलब क्या हुआ भाई? आत्मसम्मान। तो गरुर किसका? माइग्रेंट वर्कर्स का, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स आपके कहीं गए हैं या फिर मान लो आपके वापस आ रहे हैं, तो उनके आवाजाही को ट्रैक करना, यानी उसको पता रखना कि कौन कब कितने बाहर जा रहे हो, कितने आ रहे हैं, इसको ट्रैक करने के लिए आपके गरुर ऐप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नालंदा, हाँ इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सही कहा आपने, ठीक है। हाँ जी फुल फॉर्म बताया जी एस देवाल ने आपका, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा चलिए अब देखते हैं अगली न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमसे क्या कह रही है? तो पहली इंडिया वाटर समिट, इंपैक्ट समिट, ये आपकी शुरू की गई थी दिसंबर 10, 2020 को। तो देखो यहाँ पे इंडिया वाटर समिट, इंपैक्ट समिट का यहाँ पे मायने क्या है कि हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे यहाँ पे जगह है, जैसे लातूर हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। तो एक तो हमें ड्रॉट यानी सूखे से बचना है,
दूसरा, यहां पे एक टर्म होता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट। इनलैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, आप अगर मुंबई वगैरह में दिख गए हो तो मुंबई से पुणे जाने के लिए, या सॉरी मुंबई से अगर आपको थोड़ा आसपास के यहाँ पे जगहों पे जाना घूमने के लिए, तो वहां पे बोट चलती है पानी की, ठीक। तो उन पानी की बोट को केवल आपके शहर या राज्यों में चलाने के लिए इनलैंड ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर बात की जाए आपसे, तो इसमें जो है आपका वाटर इंपैक्ट में इसी इनलैंड ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक टर्म दिया गया, और वो टर्म क्या था आपके लिए, उस टर्म था आपके लिए अर्थ गंगा। ये टर्म थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अर्थ गंगा का यहाँ पे फायदा क्या है कि एक तो गंगा हमारे लिए धार्मिक रूप से आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक। तो इसकी साफ सफाई हमने करा दी, ठीक। वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके कुछ आर्थिक फायदे भी तो हैं। अब आर्थिक फायदे के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया नेशनल वाटरवे। क्या बना दिया, नेशनल वाटरवे। अब इसके माध्यम से गंगा पे आप इनलैंड ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। महाराष्ट्र में है जीएस देवाल, ठीक है। और वही अगर आपसे बात की जाए अर्थ गंगा के अंतर्गत, तो इसी के लिए एक योजना भी चलाई गई थी, उसका नाम था नमामि गंगे योजना, ठीक है। नमामि गंगे योजना जो है आपकी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा साल 2014 में शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से जो हमारी गंगा है उसको साफ शुद्ध करने के लिए प्रयास किए गए थे, ठीक। अब देखो ये जो है आपका नमामि गंगे और इंपैक्ट वाटर समिट, ये आपके यहाँ पे आयोजित किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जिसके यहां पर मिनिस्टर है अभी वर्तमान समय में गजेंद्र शेखावत। क्या नाम हो जाएगा इनका, गजेंद्र शेखावत, ठीक है। तो ये नाम जरूर यहाँ पे याद रखिएगा कि गजेंद्र शेखावत आपके मिनिस्टर हैं किस चीज के, जल शक्ति के, ठीक है। और ये आप बगल में देख भी रहे होंगे, ये आयोजन चल रहा है एक प्रकार से वर्चुअल आयोजन ही आजकल आपके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे आर्थिक से और क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि भाई पानी में हम लोगों ने जो है मान लीजिए एक एक बोटिंग होती है, दूसरा यहाँ पे स्लाइडिंग भी होती है, ठीक है। वो पानी से आप नीचे उतर रहे होते हैं, या फिर यहाँ पे बनाना बोट भी होती है। तो इस तरीके से जितने भी स्पोर्ट्स है वाटर से जुड़े हुए, एक आपका यहाँ पे बॉल से भी यहाँ पे गेम खेला जाता है पानी में। और उसके अलावा यहां पर अगर आप चाहो तो साइकिलिंग के लिए भी यहाँ पे जो उसके बगल में रेत में है वहां पे साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो इस तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाने का मेन मकसद है किसके माध्यम से, अर्थ गंगा के माध्यम से, ठीक। अब देखो एक चीज और जान लो, अभी हम लोगों ने बात की थी नेशनल वाटरवे की, तो हमारे वर्तमान समय में भारत में कुल नेशनल वाटरवे की संख्या है 111। कितनी है, 111। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुल 6, ठीक है। और इसमें जो आपके 6 वाटरवेज हैं, इसमें जो सबसे बड़ा वाटरवे है वो है आपका हल्दिया से अलाहाबाद, आपका प्रयागराज का, ठीक है। हालांकि अलाहाबाद तो नहीं कह सकते उसको, हल्दिया से प्रयागराज का। तो ये जो आपका यहाँ पे वाटरवे है इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे 1। जैसे हमारे यहाँ पर आपके हाईवेज का नाम है ना, ठीक है, NH कहते हैं उसको, NH1, NH4, NH25। इसी तरीके से नेशनल वाटरवे का भी नाम रखा गया है NW1। और तो भारत में अगर सबसे बड़ा आपका नेशनल वाटरवे का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1। इतना याद रहेगा, छोटी सी बात है। तो बाकी के भी जो नेशनल वाटरवे है उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर सबसे पहला अगर यहाँ पे दिख रहा हो तो ये है नेशनल वाटरवे 1। तो ये जो है आपका ये अलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाएगा, यानी इस पॉइंट से लेकर के यहां तक रहेगा, यानी हल्दिया से अलाहाबाद के लिए जो गया है वो है नेशनल वाटरवे 1। और इसकी यहां पर आपकी कुल यहां पे दूरी कितनी है, 1620 किलोमीटर, और ये आपके भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे माना जाता है, ठीक। वही नेशनल वाटरवे 2, तो ये जो है आपका ये तीसरे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे सबसे बड़े आपके नेशनल वाटरवे में आता है, जो कि कहां से आपका डुगरी से सदिया तक है, ठीक है। ये आपका डुगरी से और यहां तक यानी सदिया तक गया हुआ, ठीक है, असम से आपका ऊपर तक गया हुआ है। ये कुल है आपका 891 किलोमीटर। और वहीं अगर बात की जाए आपसे नेशनल वाटरवे 4 के बारे में, तो ये दूसरा सबसे बड़ा आपका नेशनल वाटरवे है, जो कि जाता है काकीनाडा से पुडुचेरी तक। ये देखो ये है पुडुचेरी और ये है काकीनाडा, तो इन दोनों को जो आपका जोड़ रहा है ये है नेशनल वाटरवे
फोर। एक और देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में, नेशनल वाटरवे थ्री, ये आपका कोलम से कोटापुरम, कोलम से कोटापुरम तक ये आपका जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने चार नेशनल वाटरवे देखे, इनको याद रखना। नेशनल वाटरवे वन जो कि आपका हल्दिया से अलाहाबाद है, नेशनल वाटरवे टू जो डुबरी से सदिया है, नेशनल वाटरवे फोर जो कि आपका काकीनाडा से पुडुचेरी है, और नेशनल वाटरवे थ्री जो कि आपका कोलम से यहाँ पे कोटापुरम थे। आप जरा मुझे यहाँ पे फटाफट बताना, आपने उन्होंने डिस्कस भी किया था, सेकंड नंबर पे मैं फिर से पूछ रहा हूं, मेरा एक नया सवाल है आपके लिए, दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा यहाँ पे नेशनल वाटरवे कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो अभी आप। ठीक है, चलो अब आगे भी बढ़ जाते हैं जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका जवाब क्या होगा, सेकेंड बिगेस्ट नेशनल वाटरवे। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब यहाँ पे आपके लिए समय है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हाँ जी अनु जी सही कहा आपने, ठीक है चलिए, तो अब अगर यहाँ पे बात किया करंट अफेयर्स की, तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, तो कोई भी आपका एग्जाम होगा उसमें हम लोग जो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं वो 1 2 3 4 करके ही सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि सही इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे गलत भी हो जाए तो परेशान मत होना, उसके लिए ये सोचना कि मैंने यही ऑप्शन क्यों टिक किया था, फिर आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहां पे की थी। ठीक है चलिए, तो आज के लिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है किस मिनिस्टर के द्वारा अभी हाल ही में एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीट प्लस को यहाँ पे अटेंड किया था। तो यहाँ पे पहले वर्ड को समझो, मीटिंग प्लस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और एशियन प्लस नाम की यहाँ पे एक संस्थान भी होती है, तो उसी को यहाँ पे मीटिंग प्लस कहा गया है। किसकी मीटिंग थी? डिफेंस मिनिस्टर की थी। चार ऑप्शन हमारे सामने है, एक है हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर सोच के बताना कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है चलिए, तब तक अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे एशियान के बारे में, तो एशियान जो है हमारे देश में एक ये ऑर्गेनाइजेशन, क्या है आपके लिए? ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये है आपकी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी इसमें साउथ एशिया के जितने भी देश आते हैं वो सब शामिल होते हैं। ठीक है, हाँ जी जी, यहाँ पे शगुन ने सबसे पहले बताया थ्री ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जो है अभी हमारे वर्तमान समय में डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, और वहीं अगर बात कर ली जाए हमारे होम मिनिस्टर के बारे में, तो वर्तमान समय में कौन है हमारे यहाँ पर, तो जवाब हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, और नरेंद्र मोदी कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो बात चल रही थी एशियन के बारे में, तो एशियन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन नेशंस की। तो अगर यहाँ पे एशियन नेशंस की आपसे बात की जाए तो एक नेशन यह तो आपका है म्यांमार, इसी तरीके से जितने भी आते हैं थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, तो म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक, यहाँ पे फिलीपींस और वियतनाम को भी अगर मिला लिया जाए तो यहाँ पे कुल देश बनते हैं आपके कितने, 10। तो 10 देशों का आपका एशियान का एक सदस्य यहाँ पे संगठन बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी जो इसका मुख्यालय है, ये मुख्यालय आपका कहाँ रखा गया था? अब यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा जकार्ता। क्या जवाब हो जाएगा? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में आपका हेडक्वार्टर है किसका? यहाँ पे एशियन कंट्रीज का। ठीक है, आप चलो ये तो बात हो गई एशियन के देशों के बारे में कि कहां कहां से देश में लोग आए थे इस एशियन मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई एक आपने खबर बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा कि इन्होंने रफेल के लिए यहाँ पे सौदा किया था, याद आ गया? तो रफेल एरोप्लेन के लिए सौदा किया था, उसपे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे धार्मिक विधि से उसके यहाँ पे तिलक भी लगाया, उसकी पूजा पाठ भी किया, तो लोगों ने कहा कि भाई अगर डिफेंस मिनिस्टर ही इस तरीके से करेगा एक हथियार को खरीदने के लिए तो बाकी लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काफी कंट्रोवर्सी हुई भी थी उस समय पे। हाँ जी अनु जी सही कहा आपने, तो ठीक है, तो रफेल जो है आपका ये एक फ्रेंच कंपनी के द्वारा खरीदा गया था, और उस फ्रेंच कंपनी का नाम था यहाँ पे आपका डसॉल्ट। तो यहाँ पे फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट के द्वारा रफेल प्लेन को खरीदा गया, कंट्रोवर्सी में भी रहा था, लेकिन अब फिलहाल भारत के द्वारा इसको खरीद के उपयोग किया जाने लगा है। और वही अगर बात की जाए इसी तरीके से एक और है आपका हेलीकॉप्टर, नाम है इसका अपाचे। क्या नाम है इसका? अपाचे। और अपाचे हेलीकॉप्टर जो है आपका ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा खरीदा गया था। देशों के नाम थोड़े यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे, फ्रांस के द्वारा रफेल आपका एरोप्लेन, वही अपाचे जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। इसी तरह एक मिसाइल भी है, जरा मिसाइल जो है आपकी ब्रह्मोस, ये आपकी रशिया के द्वारा यहाँ पे बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बात हो गई किसके बारे में, जितने भी हम लोगों ने वेपन सिस्टम अलग अलग देशों से खरीदे और हमारी न्यूज में थे। अब अगर देखो यहाँ पे डिफेंस की बात चल रही है तो यहाँ पे फटाफट एक और चीज देख लेते हैं, इंडियन आर्मी और नेवी के चीफ। अगर इंडियन आर्मी के चीफ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा,
तो यहां पे उनका नाम हो जाएगा मुकुंद नरवाने। यहां पे इसके चीफ कौन है इस समय? मुकुंद नरवाने। ठीक है, याद रख लोगे? हाँ जी 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 सही कहा। ठीक है, और वही अगर आपसे बात की जाए तो इंडियन नेवी यानी कि जो नौसेना है यानी जो पानी में चलने वाली आपकी जहाज होते हैं, तो उसके यहाँ पे आपके मुखिया है करमबीर सिंह। क्या नाम है इनका? करमबीर सिंह। तो करमबीर सिंह इस समय यहाँ पे आपके एडमिरल है और एडमिरल से यहाँ पे नेवी चीफ के रूप में भी आपके नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके लिए एयरफोर्स यानी कि वायुसेना। तो वायुसेना के यहाँ पे अभी आपके अध्यक्ष हैं या फिर जो मुखिया हैं वो है राकेश भदौरिया। क्या नाम है इनका? राकेश भदौरिया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे पहले समझते हैं एशियन प्लस, न्यूज में आ रहा था बार बार। ठीक है, तो एशियन प्लस की अगर आपसे बात की जाए तो इसमें ना केवल साउथ एशिया के जितने देश अभी हमने देखे प्लस, इसके अलावा यहां पर आपके चाइना और इंडिया जैसे देशों को भी शामिल किया था। ना केवल चाइना इंडिया बल्कि रशिया को भी इसमें शामिल किया जाता है। जो इतने सारे अलग अलग देशों को अगर हम लोग शामिल कर रहे हैं एशियान में, तो इसी को हम लोग टर्म के रूप में उपयोग करते हैं एशियान प्लस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग देशों के बारे में, ठीक है, जैसे एशियान देश है आपका, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, और हेडक्वार्टर कहाँ हो गया आपका? जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके जो अध्यक्ष हैं उसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। क्या कहते हैं हम लोग? सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल जो है आपके, ये है आपके लिम जॉक हुई। नाम थोड़ा सा अजीब है, लिम जॉक हुई। ठीक है, और वही अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पिछले साल यानी 35th जो आपकी एशियन समिट हुई थी, ये आपकी साल 2019 में कहां पर आयोजित की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड में। कहां पे हो जाएगा आपका? बैंकॉक थाईलैंड में। इतना याद रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो पूछ ले पिछले वर्ष के बारे में कि पिछले वर्ष की एशियन समिट किस देश में आपकी आयोजित की गई थी, तो इसका यहां पे जवाब क्या हो जाएगा? बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी किसके बारे में? एशियन देशों के बारे में। हाँ जी, अभी नेपाल का सेना पदक भी दिया गया। सही कहा अनुज ने, वेरी गुड। नरवाने जी को अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा जो सर्वोच्च वहां का सम्मान होता है उससे उन्हें नवाजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉकेट लॉन्च पैड जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया था, ध्यान सुनना, जहां से रॉकेट को आपका या सैटेलाइट को आपका लॉन्च किया जाता है, तो उसको लॉन्च करने के लिए ये किस शहर में इसको स्थापित किया गया है? इसरो का यहाँ पे लॉन्च पैड आपके किस शहर में स्थापित किया गया है? चार ऑप्शन है आपके सामने, एक है कोचीन, दूसरा श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु और देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पे सोच के बताना, कई बार न्यूज में भी रहा था, अभी हाल ही में जब हमारे यहाँ पे मंगलयान जो है आपका जो कह सकते हैं असफल रहा था एक प्रकार से, उसको भी आपका उसी जगह से यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक चलो इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थान जो है एक हमारे यहाँ बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं विक्रम साराभाई, तो इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया। तो यहाँ पे ये इसके क्या माने जाते हैं? फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलुरु में। कहां पे आपका? बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हो गया। और अगर इसके मुखिया की बात की, जिसकी मैंने आपके आरंभ चर्चा भी की, जो रोने लग गए थे इसके असफल होने पे। ठीक है, हाँ जी, राइट आंसर रिधि ने बताया 3, शगुन ने 3, अनुज ने बताया 3, राशि ने बताया बेंगलुरु। लेकिन देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है रॉकेट लॉन्च पैड का वो है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा को ही हम लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अब याद हो जाएगा, तो श्री हरिकोटा ये आपका रॉकेट लॉन्च पैड है किसका? इसरो का। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से आपका श्री हरिकोटा को जाना जाता है। इतना याद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, श्री हरिकोटा जो है आपका ये बैरियर आइलैंड पे, कहां पे आपका? बैरियर आइलैंड पे है। कहां पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इतना यहाँ पे याद आपको रखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा, जहां पे इसरो के द्वारा अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक और सैटेलाइट लॉन्च से आपका पैड है। ठीक है, एक तो कौन सा हो गया आपका? श्रीहरिकोटा। दूसरे स्थान पे एक और है आपका, उसका नाम है थुम्बा। क्या नाम है आपका? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, तो आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये आपका कहां पर है? ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। कहां पे आपका? तिरुवनंतपुरम में। तो इसको याद रखिएगा कि तिरुवनंतपुरम में है आपका थुम्बा रॉकेट लॉन्च पैड। ठीक है, इतना याद रहेगा, फाउंडर ऑफ इसरो। ठीक है, हाँ जी अनुज, सही कहा आपने, एशियन जो है इंडिया का सदस्य नहीं, इसलिए एशियन प्लस का निर्माण किया गया है। ठीक है,
चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जो मारा गोमेज है वो पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी है फुटबॉल प्लेयर, पहली ट्रांसजेंडर वुमेन फुटबॉल प्लेयर बनी है, तो वो किस देश से संबंधित है। नाम से पहले देखो मारा गोमेज, मारा गोमेज का अगर नाम देखोगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से एक दो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। चार ऑप्शन क्या है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और रशिया। अब इनका अगर नाम भी देखोगे तब भी जर्मनी अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग लॉजिकली रशिया को भी कैंसिल कर सकते हैं। अब बचे दो ऑप्शन, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। ठीक है चलिए, तो अब अगर आगे बढ़े तो यहां पे मारा गोमेज है, पहले इनको देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है मारा गोमेज जो पहली आपकी ट्रांसजेंडर फुटबॉल प्लेयर बनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से संबंधित है आपकी मारा गोमेज जो पहली ट्रांसजेंडर मूवमेंट महिला बनी। ठीक, अब देखो यहां पे अगर आपसे बात की जाए अलग अलग फुटबॉल से संबंधित जो आपके टर्म्स होते हैं, जैसे कि यहां पर अगर आपसे बात की जाए फुटबॉल के बारे में, तो फुटबॉल जो है आपका ये फीफा के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक, और फीफा में कुल देश कितने हैं आपके, तो आप बताओगे 211 देश हैं। ठीक है, और वहीं अगर आपसे बात की जाए तो साल 2018 में यानी पिछला जो आपका फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था वो आयोजित किया गया था रशिया में, और जिसमें जो विजेता देश था यानी विनर कंट्री था वो था फ्रांस। कौन सा देश था आपका, फ्रांस। इसी तरीके से साल 2022 में जो अगला आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा ये आयोजित किया जाएगा आपका कतर में। कहां पे आयोजित किया जाएगा आपका, कतर में इसको आयोजित किया जाएगा, अंबाला एयरबेस पे। हाँ जी, अंबाला एयरबेस पे अभी भी है रफेल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे अगर बात की जाए आपसे फीफा के बारे में, तो इसको 1904 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय है आपका वो है ज्यूरिख में। कहां पे है आपका, ज्यूरिख। ज्यूरिख कहां पे पड़ता है, तो आप इसका जवाब बताएंगे स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज और जान लो फीफा जुड़ी हुई जो कि एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट। तो इसके जो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष है वो कौन है, उनका नाम हो जाएगा जियाने, थोड़ा अजीब सा नाम है, जियाने इन्फेंटिनो। ठीक है, जियाने इन्फेंटिनो जो है आपके अध्यक्ष है किसके, फीफा के। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी किसके बारे में की थी, यहाँ पे जो फीफा होता है जो फुटबॉल को यहाँ पे क्या करता है, आयोजित करता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में, क्योंकि अर्जेंटीना से संबंधित है मारा गोमेज। तो अर्जेंटीना में ध्यान से देखो तो यहाँ पे पंपास जो आपकी यहाँ पे ग्रासलैंड है तो ये अर्जेंटीना में ही है। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंटीना के अलावा ब्राजील में भी पाई जाती है। इसके अलावा पैटागोनिया जो आपकी माउंटेन रेंज है और एंडीज पर्वत, ये भी कहां पर है, ये भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि जब भी हम लोग अर्जेंटीना की बात करते हैं, ठीक है, तो अर्जेंटीना को अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो कैपिटल है इसकी, तो कैपिटल क्या हो जाएगी यहां पर, ब्यूनोस आयरिस। ठीक, तो ये हो गई इसकी कैपिटल, क्या नाम है इसका, ब्यूनोस आयरिस। अब यहां पे अगर बात की जाए करंट न्यूज की, तो अभी हाल ही में एक फुटबॉलर थे जिनकी डेथ हुई थी, बहुत महान फुटबॉलर थे, उनका नाम था डिएगो मैराडोना। तो डिएगो मैराडोना जो है आपके, ये भी संबंधित कौन से देश से थे, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पे अर्जेंटीना। ठीक है, हाँ जी, इंडिया एशियन की प्रेसिडेंसी करता है बट मेंबर नहीं, देखो एशियन बताए वो एशियन प्लस की यहाँ पे प्रेसिडेंसी कर रहा है। ठीक है, बात को समझो, दोनों में बहुत अंतर है। अगर एशियन प्लस अभी भी ना समझ में आया तो थोड़ा सा बैक कर लेना, मैंने वहां पे आपको क्लियर भी किया हुआ है। ठीक है, अब चलो और थोड़ा बात कर लेते हैं। यहां पे अगर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट की आपसे बात की जाए तो यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक है, तो अल्बर्टो फर्नांडिस आपके कहां के प्रेसिडेंट है, अर्जेंटीना के, जहां पे एंडीज और पैटागोनिया नामक आपकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक माउंटेन है आपका, बड़ा फेमस माउंटेन है, एग्जाम में आ चुका है, अकांकागुआ। सवाल कैसे पूछा जाता है कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट माउंटेन आपका कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा अकांकागुआ। और अगर बात की जाए यहां पे करेंसी यानी मुद्रा के बारे में आपसे, तो अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, पेसो। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अलग अलग देश जो राज्य अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अब आप कोई भी यहाँ पे पेपर अपना उठा लेना दिल्ली पुलिस का, वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये सारे सवाल आपको दिखेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि करंट और इससे जुड़े हुए मुद्दे ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो साथ ही साथ केवल आपको यहाँ पे रिविजन करते रहना है डेली सुनते हुए, बाकी आपको और कोई मेहनत नहीं करनी है एक्स्ट्रा। ठीक है चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे अगला सवाल है,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसए? एनएसए का कई बार नाम आ चुका है यहाँ पे, कि जब भी भारत के यहाँ पे किसी भी चीज से, जैसे मान ली सुरक्षा से जुड़े हुआ कोई मुद्दा हो या फिर भारत के यहाँ पर जासूसी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तब आपके एनएसए का नाम आता है। तो एनएसए जो है आपकी, ये यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे राइट आंसर की चार ऑप्शन है। नेशनल सिस्टम एजेंसी एनएसए का फुल फॉर्म हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, न्यू सिक्योरिटी एजेंसी या फिर न्यू सिस्टम एजेंसी। तो देखो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है, ठीक है, और रॉ है, इसी तरीके से वहां पर जो है इंटेलिजेंस को देखने के लिए। और कैसी इंटेलिजेंस? केवल वहां पे अमेरिका की इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल इंटेलिजेंस को देखने के लिए और उसको यहाँ पर उस पर यहाँ पे नजर रखने के लिए एनएसए का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी स्थापना की गई थी आपकी साल 1952 में, ठीक है। तो इतना याद रहेगा कि एनएसए जो है आपकी, ये सीबीआई और रॉ की तरह एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे अगर मान ली किसी और देश में कोई भी जासूसी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा या फिर इंटेलिजेंस यानी कि कोई सूचना जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, तो उसको वहां पे कौन देख रहा होगा, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। हाँ जी, जीएस देवाल, सही बताया आपने, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल है आपके लिए। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के बारे में पूछा गया है कि इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए, तो इसकी फोटो दिखा देते हैं एक बार। ये है वो आपकी जिनको यहाँ पे चुना गया है उसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन के रूप में। ऑप्शन है आपके योगेश्वर वर्मा, पीटर डॉसन, अनिका सोरेनसन या फिर मैथ्यू चेरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आपसे बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा अनिका सोरेनसन। ये खुद एक प्रो गोल्फ प्लेयर है। और वही देखो अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की, भाई इसी के लिए तो इनको चुना गया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन जो है आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जिसके माध्यम से जितने भी टूर होते हैं, जैसे यूरोपियन टूर हो गया, यूएस टूर हो गया, तो इसको आयोजित कौन करता है, तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में, इसको लुसाने कहते हैं, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, जब भी हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत के जो आपके सबसे महान प्लेयर कहे जाते हैं गोल्फ के वर्तमान समय में, वो है जीव मिल्खा सिंह। कौन है आपके? जीव मिल्खा सिंह। तो जीव मिल्खा सिंह को महान क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये पहले ऐसे इंडियन बने थे जिनको यूरोपियन टूर में शामिल किया गया था। यानी अभी तक हमारे यहाँ जो लेवल था गोल्फ का वो बहुत आपका नीचे था, लेकिन जीव मिल्खा सिंह के द्वारा यहाँ पे ना केवल यूरोपियन टूर को जीता गया, बल्कि यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग होती है उसमें भी अपना नाम किया था। अच्छा, टॉप रैंकिंग की अगर बात करें तो गोल्फ में एक नाम याद रखना, गोल्फ में जो टॉप प्लेयर है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो आपके टॉप प्लेयर है वो है डस्टिन जॉनसन। क्या नाम हो जाएगा इनका? डस्टिन जॉनसन, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखना कि डस्टिन जॉनसन जो है आपके गोल्फ के टॉप प्लेयर है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि जब भी आपसे गोल्फ की बात की जाती है तो सवाल एक और गोल्फ से जुड़ा होता है, इसके जो टर्म होते हैं वो पूछे जाते हैं कि गोल्फ में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। तो एक शब्द है यहाँ पे आपका डफ। डफ शब्द का यहाँ पे अगर पूछा जाए कि डफ शब्द किस खेल में आपका प्रयोग होता है, जवाब होगा गोल्फ में। इसका मतलब होता है बैड शॉट। क्या मतलब होता है इसका? बैड शॉट, ठीक है। इसी तरीके से एक और टर्म है आपके लिए एस। एस का मतलब क्या होता है कि जब आपने पूरे का पूरा गोल्फ, गोल्फ का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे आपने जो है, देखो यहाँ पे इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है अभी आपकी अनिका जी एक स्टिक पकड़े हुए हैं, ठीक है। इस स्टिक से आप क्या करते हो, इस पूरे ग्राउंड में आप बॉल को एक स्थान से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उसके पोल तक पहुंचाने का कार्य है। अगर आपने उसको एक बार में पहुंचा दिया तो उसी को हम लोग एस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर यहां पे लगातार आप उसका स्कोर बनाते चल रहे हो तो उसको कहा जाता है बर्डी। तो यानी बर्डी क्या मतलब है कि अगर आपने एक स्कोर किया तो उसको बर्डी कहेंगे और एक बार में स्कोर किया तो उसको एस कहेंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। हाँ जी अनुजी, डीआरडीओ आपका 1958 में आपका स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके लिए विज्ञान यानी कि साइंस। अब साइंस का सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल इजी सा सवाल है आपकी बात। सवाल यह है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है। सवाल यह आपके लिए कि एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन एटम का क्या होता है। चार ऑप्शंस है, 16, 8, 11 या फिर 24, ठीक है। देखो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन अधिकतर आपकी जितनी भी स्टील की इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर आपकी वेल्डिंग की इंडस्ट्री है, यहां पे इसका प्रयोग किया ही जाता है। इसके अलावा हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि हमारे सांस में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक।
लेकिन अगर बात की जाए इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये है क्वेश्चन आपके लिए। तो देखो यहां पे हम लोग एक एक करके जानते चलते हैं कि यहां पे अगर बात की जाए 16 एटॉमिक नंबर किसका है, तो जवाब हो जाएगा यहां पे सल्फर का, ठीक है। इसी तरीके से अगर 24 एटॉमिक नंबर की बात की जाए, तो ये है आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। और वहीं अगर बात की जाए 11 की, तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 एटॉमिक नंबर है किसका, आपका ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो ये था आपके लिए साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। हाँ जी, राशि ने 16 बताया, जीएस देवाल 8 बताया, यहां पे अनुज ने 16, तो यहां पे 3 लोगों ने आपका सही राइट आंसर दिया, जीएस, करणजीत और यहाँ पे अनुज थोड़ा सा आपका मेरे हल्का सा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर पूछा गया, ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो ये बात थी अभी तक यहाँ पे क्विज के बारे में। अब आपके लिए है रिवीजन एमसीक्यू। अब याद करके मुझे बताना तुरंत ही कि अभी तक जो हम लोगों ने 40-45 मिनट की क्लास में पढ़ा, वो आपको याद है कि नहीं। सवाल, किस कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन को यहाँ पे लॉन्च किया गया या फिर टेस्ट किया गया? ऑप्शन है आपके लिए जापान, चाइना, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये रिवीजन एमसीक्यू है और आर्टिफिशियल सन के बारे में भी हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स यहां डिस्कस किए थे, कैसे वो मैग्नेट के द्वारा चलता है, कैसे उसमें एक लूप ऑफ प्लाज्मा को बनाया जाता है जिससे आपका टेम्परेचर जो है वो आपका 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग आज के रिवीजन कैप्सूल के बारे में भी। तो रिवीजन कैप्सूल जो है आपका एनवायरमेंट में चल रहा था, तो रिवीजन कैप्सूल की एक जो खास बात की यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका यहाँ पे दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आपका एसएससी और आरआरबी का एग्जाम, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे आपको ये जो 6 मंथ का करंट अफेयर है ये केवल आपको 10 मिनट तक सुनना है, बस डेली के डेली। अगर आप 10 मिनट तक सुनते रहोगे, फिर भी विद इन 1 वीक आपने 1 घंटे का जो आपका करंट अफेयर था अलग अलग टॉपिक से, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह के साथ साथ कंपाइल्ड पीडीएफ चाहिए, मतलब टॉपिक वाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो एसएससी और जो सीटेट के बैच है इनको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसमें फायदा ये होगा कि एक तो आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्लस जितने भी आपके भारत की टॉप फैकल्टीज है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे जीएस के बारे में, तो जीएस के लिए यहाँ पे अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो इसके लिए आपके यहाँ पे एक अलग बहुत अच्छी फैकल्टी है। अगर वहां पे आपको साइंस पढ़ना है तो यहाँ पे आपको अलग फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी पढ़ना हो तो अलग आपके लिए फैकल्टी होगी। तो यहाँ पे जितनी भी टॉप फैकल्टीज है वो आपके लिए यहाँ पे एसएससी और सीटेट के पेड कोर्स लेके आई है, जिसको ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर। यहाँ पे जो सबसे पहले है वो टॉपिक क्या हो जाएगी, वो है एनवायरमेंट में आपके जितने भी कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशंस भैया कई बार एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ मैंने जितने भी कन्वेंशंस थे उनको कंपाइल कर दिया है और यहाँ पे एक अरेंजमेंट में यहाँ पे कंपाइल किया गया है, तो आपको भूलने के चांसेस थोड़े कम होंगे, ठीक है। जैसे पहला अगर बात की जाए रामसर आपका कन्वेंशन ईरान में किया गया था, ये जुड़ा है वेटलैंड से। वेटलैंड का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, जो पोखर होते हैं, उसको यहाँ पे सुरक्षित करने को लिए उनको टर्म क्या दिया जाता है, वेटलैंड, ठीक है। तो ये रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये आपका संबंधित है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसका मतलब क्या होता है, आपने टर्म सुना होगा पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसकी संख्या को या उसके अमाउंट को कितना पॉल्यूशन में कम किया जाए, इसके लिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन में शामिल किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है साइट्स, साइट्स किससे संबंधित है, तो ये इंडेंजर्ड यानी कि जो स्पीसीज जिनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है, 1000 से भी कम है, और वो भी किसकी, ना केवल आपके जीव आपके जंतुओं की बल्कि पेड़ पौधों की भी यहाँ पे अगर संख्या कम है, तो उसे साइट्स के अंतर्गत जो उनका आपका यात्रा आपका जो ट्रेड होता है उसको यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, माइग्रेटरी स्पीसीज, जितनी भी हमारे भारत में माइग्रेटरी स्पीसीज आती है, ठीक है, चाहे वो आपके लिए यहाँ पे तमिलनाडु में आए चाहे गुजरात में आए, तो उनके कंजर्वेशन के लिए जो कार्य होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो किया जाता है बॉर्न कन्वेंशन के अंतर्गत, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए वियना कन्वेंशन के बारे में, तो वियना कन्वेंशन बनी थी ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। वैसे खुशी वाली बात यह है कि फिलहाल कोरोना के कारण ओजोन लेयर में अब सुधार हो रहा है। नेक्स्ट हमारे लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो यहाँ पे वियना किसके लिए थी, प्रोटेक्शन के लिए, और वही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर को घटने ना दे,
इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया। अगर सीधे सीधे याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना, ओजोन जो है यहाँ पे दो कन्वेंशन थी, एक थी वियना, दूसरी मॉन्ट्रियल, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैस होती है जिसमें CO2 भी आपकी आती है, इन सारी गैस को समाप्त करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया था। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट रियो समिट। रियो समिट के माध्यम से जो पर्यावरण है यहाँ पे उसकी देखरेख करने का कार्य किया गया था। ठीक है, रियो समिट के माध्यम से। नेक्स्ट है UNCCD। CCD का मतलब होता है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लातूर और चेन्नई में सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं होगा तो क्या होगा, डेजर्ट बढ़ेगा, तो यहाँ पे कौन सी संस्थान उसके लिए कार्य करती है, UNCCD यानी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और नेक्स्ट है हमारे लिए बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन के माध्यम से जो भी आपका हजार्डस वेस्ट है जैसे मरकरी हो गया या फिर कॉपर हो गया, ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्री के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसके यहाँ पे किस प्रकार से इसको नष्ट किया जाए, इसके लिए बेसल कन्वेंशन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सारे कन्वेंशन थे, अभी और भी हैं, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना का मतलब है बायोसेफ्टी। किस चीज की बायोसेफ्टी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की, जो बायोसेफ्टी है उस पे आपकी कार्टाजीना प्रोटोकॉल को बनाया गया था। इसी तरह से एक है आपका रेड। रेड जो है आपकी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया था जिसके माध्यम से जो पेड़ वगैरह यहाँ पे काटे जा रहे हैं ना, उससे यहाँ किसकी वजह से और किसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग इमिशन। इमिशन का मतलब होता है पॉल्यूशन का बढ़ना, तो यहाँ पे इमिशन को कम करने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ को जो आपके कट रहे हैं उनको रोकने के लिए रेड संस्थान को यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल के माध्यम से जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है यानी कि हमारे यहाँ पे कई सारी मछलियां हैं, कई सारे हमारे यहाँ पर जो जीव जंतु है उनके जेनेटिक यहाँ पे मटेरियल को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए और उनको हम लोग अपने यहाँ पे पहुंच तक रखें, उसके लिए नगोया प्रोटोकॉल को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही आपका क्या है, अमेंडमेंट माना जाता है। नेक्स्ट है मिनीमाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनीमाटा जो है ये मरकरी का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे मिनीमाटा जो है आपका जापान में काफी ज्यादा इसका हादसे के नाम से भी जाना जाता है, मिनीमाटा डिजास्टर। ठीक है, तो ये जो है आपका ये मरकरी के कारण हुआ था। और लास्ट में आपके लिए रोटर डैम कन्वेंशन, जो पेस्टिसाइड और केमिकल्स जो है हम लोग जिनका व्यापार कर रहे हैं उसको किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं और किस प्रकार से उसके और ऑप्शन को तलाश सकते हैं, इसके लिए रोटर डैम कन्वेंशन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है, इसको यहाँ पे आप जरूर अपने पास रखिएगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत MCQs के बारे में, कौन कौन से MCQs है यहाँ पे जो आपके एनवायरमेंट से संबंधित आ सकते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, अधिकतर यहाँ पे डेज है तो ध्यान से सुनते रहना। पहला आपके लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। अब मान लो ये सवाल में आ गया, पूछा ये जा सकता है ये किस वीक या किस मंथ में आपका मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा October 2nd से October 8th में मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपका अधिकतर मनाया गया था 1954 से। कब से मनाया गया था, 1954 से। और वही अगर आपसे बात की जाए, कि इंडिया जो है गंगा रिवर डॉल्फिन डे ये किस दिन मनाती है, तो गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसके लिए यहाँ पे डॉल्फिन डे मनाया जाता है October 5th को। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ वीक के बीच में ही हमारा गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड जो है वो एरोसोल पार्टिकल में यहाँ पे आर्कटिक में क्या कर रहा है, धुंध बना रहा है। आयोडिक एसिड के माध्यम से आर्कटिक में धुंध बन रहा है, तो ये पूछा गया उसका उस प्रोसेस का नाम क्या है जिससे वो धुंध बनता है, तो यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम आपसे पूछा जा सकता है, प्रोसेस का नाम है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ठीक, अगला सवाल, इंपैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो कि इंपैक्ट बेस्ड है उसे जारी किया गया है, लॉन्च किया। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है अभी हाल ही में उसने 60% इमिशन की कमी की बात की, तो ये कमी वो कब तक यहाँ पे लाने का प्रयास करेगा, तो जवाब हो जाएगा साल 2030। ठीक है, इतना याद हो जाएगा, तो साल 2030 तक जो है आपका यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा 60% इमिशन की कमी की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे अगर आपसे बात की जाए तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। आप देखो सवाल क्या पूछा जाएगा, सीधे यहीं से सवाल आ जाएगा कि ये किस राज्य से आपका यहाँ पे संबंधित है,
तो यहां पे आपके लिए जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल से संबंधित है ट्री प्लांटेशन पॉलिसी। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाई, यहाँ पे पेड़ पौधे थे, अब जितनी जगह में आपने बिल्डिंग बनाई थी उतनी ही जगह का प्लांटेशन आपको कहीं ना कहीं करना होगा। तो ये है आपकी ट्री प्लांटेशन पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लिए वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट। क्योंकि ये आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट स्मेल्टर प्रोजेक्ट है जिससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, तो बिगेस्ट जो आपका आपका जो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है ये शुरू किया जाएगा गुजरात में। कहां पे शुरू किया गया है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। ये किस संस्थान के द्वारा आपकी जारी की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यहां पर आपका जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट को जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आपका सीलम और एनफ्यूजर को यहां पे ऑपरलाइज यानी जारी किया है कार्य करने के लिए। तो ये किससे संबंधित है? ठीक है, पहले तो उसका फुल फॉर्म देख लो एक बार। सीलम का फुल फॉर्म है आपके लिए सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। आप समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो है आपका एयर क्वालिटी मैनेजमेंट या एयर क्वालिटी फोरकास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो सीलम और इन्फ्यूजर ये किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित है एयर क्वालिटी फोरकास्ट यानी हमारी जो क्वालिटी है पॉल्यूशन का लेवल है उसको बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगर बात की जाए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे की, तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे आपका कब मनाया जाता है? तो यहां जवाब हो जाएगा अक्टूबर 23। ठीक है, अगर वहां पे अगर याद करो तो गंगा डॉल्फिन के लिए यहाँ पे कौन सा दिन मनाया गया था? तो अक्टूबर यहाँ पे 5। ठीक है, चलो यूनेस्को ने अभी हाल ही में पन्ना नेशनल पार्क को किस कैटेगरी के अंतर्गत बनाया है? तो यहां पे जवाब हो जाएगा अब पन्ना नेशनल पार्क जो है ये भी आपकी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानी जाएगी। तो इसको बनाया किसने था? ये संस्थान कौन सी है? यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए कावरताल वेटलैंड कहां पर है? बिहार में। आसन कंजर्वेशन आपका रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड में। तो आसन हो गया उत्तराखंड और कावरताल अभी इन्हें किस रूप में मान्यता दी गई है? तो वर्तमान समय में इन्हें रामसर साइट के रूप में आपकी मान्यता दी गई थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस जगह को लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्शन जोन बनाया गया अटलांटिक ओशियन का? ये आपके करंट का क्वेश्चन है, तो यहां पे जवाब हो जाएगा आपका ये एक आइलैंड है, हालांकि इसका नाम है ट्रिस्टकंडा कूना। क्या नाम है इसका? ट्रिस्टकंडा कूना। तो ट्रिस्टकंडा कूना को आपका लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्शन जोन बनाया गया अटलांटिक ओशन का, और ये जो है आपका यूनाइटेड किंगडम के प्रयासों के द्वारा बनाया गया, जिसके माध्यम से अब वहां पे कोई भी खनिज होगा, कोई भी रेत का आपका वहां पे आपका रिसोर्स होगा, उसे कोई भी अलग देश आपके प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके थे आपके क्या MCQs। अब देखो यहाँ पे जो भी आपके पेड बैच चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो हमारे यहाँ पर जो ऑनलाइन यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसको आप ऐप के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर कोई और भी सवाल है आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ तो उसको पूछते रहिएगा बेझिझक। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा डिस्कशन के लिए तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।